टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। भारी बारिश के कारण गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बाहरी छत की सीलिंग का एक हिस्सा ढहने पर 6 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पर जाएंगे, वह भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ED रिमांड खत्म हो रही है, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी है। तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जब रामलला के दर्शन करने पहुंचा तो ऐसा लगा कि जैसे भगवान राम मुझसे कह रहे हैं कि भारत का स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है, भारत के दिन आ चुके हैं, भारत आगे बढ़ रहा है। मैं उनकी आंखों में 140 करोड़ देशवासियों के सपने को देख रहा था। साइक्लोन से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। उन्होंने मृतकों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद दिए जाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। तूफान के बाद कई घर गिर गए हैं, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। MIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी देर रात माफिया मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद पहुंचे, यहां उन्होंने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की। चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। PM मोदी ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें जल्द ही पछतावा होगा। 2014 से पहले किसे कितना चंदा मिलता था कोई नहीं जानता था। सतारा से सांसद श्रीनिवास पाटिल के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद पृथ्वीराज चव्हाण और महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष जयंत पाटिल की मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र में 5 चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसकी तैयारी करते हुए कांग्रेस ने 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है। इनमें संजय निरुपम श्रीनिवास BV भी शामिल है। महाराष्ट्र की वंचित बहुजन अघाड़ी ने सभी 48 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इसके प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है। अजित पवार गुट की NCP की प्रत्याशियों की अगली लिस्ट जल्द आने वाली है, इसको लेकर NCP की अहम बैठक रविवार को आयोजित की गई। शिवसेना UBT अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है, उन्होंने डिप्टी CM से जमीनी हकीकत जानने के लिए मणिपुर और लद्दाख जाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जहां सोशल मीडिया मंचों के लिए अश्लील वीडियो शूट करने की खबर सामने आई है, पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर घमासान जारी है, इस सीट से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले हैं और शरद पवार ने उन्हें दोबारा से टिकट देकर यहां से उम्मीदवार बनाया है। बारामती से निवर्तमान सांसद सुप्रिया सुले ने महायुति द्वारा उनके खिलाफ उनकी भाभी सुनेत्रा पवार को उतारे जाने को BJP का षड्यंत्र करार दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया है, इस रैली में शरद पवार भी शामिल हुए। शरद पवार ने मंच से कहा कि जिस तरह से सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ किया गया वह देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है। महाराष्ट्र के पूर्व CM और शिवसेना UBT अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में BJP के बागी नेता पार्टी का सिरदर्द बढ़ा सकते हैं, पूर्व सांसद हरीशचंद्र चव्हाण ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सुनील शेट्टी ने डांस रियलिटी शो के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनकी बेटी अथिया शेट्टी की प्रेग्नेंट होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।